परम वंदनी। सद्गुरुदेव श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर तपोभूमि कबीर धाम मुस्तफाबाद डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश नेपाल बॉर्डर में संपन्न हो रहे सुखद सत्संग ज्ञान यज्ञ में हम और आप निमज्जन करेंगे। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, आज के यजमान भक्त श्री उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट जौनपुर तहसील मड़ियाहूं निवासी गदनपुर श्रीमान सूबेदार राजभर साहब, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पार्वती देवी, पुत्र मुकेश कुमार राकेश कुमार, पुत्री चंदा देवी मुंजा देवी गुंजा देवी सोनल, आप निवासी गदनपुर के, आपकी बहुत बड़ी श्रद्धा है। आपने 11,000 की राशि भेजकर ऑनलाइन सुखद सत्संग कथा एवं तपोभूमि आश्रम में भंडारे का आयोजन किया है। आज के कार्यक्रम का पुण्य जो करोड़ों श्रोता विश्व के सत्संग श्रवण कर रहे हैं, उनकी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार के सदस्यों को प्राप्त होंगी। आपको धन्यवाद देते हुए सुखद सत्संग में हम आगे प्रवेश कर रहे हैं। कल के आयोजक श्री भूषण लाल पत्नी वीणा साहू, आप डिस्ट्रिक्ट गरियाबंद छत्तीसगढ़ के हैं। सेकंड यजमान श्रीमान महेश कुमार राजपूत, श्रीमती माधुरी राजपूत, जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश शिव गणेश नगर के हैं। आप 19 अगस्त के यजमान हैं। 19 अगस्त को कुमारी साक्षी का जन्मदिन, जिसके उपलक्ष्य में उनके पिता अरुण शाह जी डिस्ट्रिक्ट गुड्डा झारखंड वाले, जो कि सूरत में बिजनेस करते हैं, आप 30 मीटर वस्त्र और तांबे का जग, गिलास कटोरी चम्मच थाली, फल फ्रूट किशमिश ड्राई फ्रूट आदि समर्पित कर रहे हैं और स्वयं यहाँ आए हैं अपनी बेटी के लिए आशीर्वाद लेने के लिए, और उनकी बहुत बड़ी श्रद्धा है। श्री अरुण शाह जी गुड्डा झारखंड आशीर्वाद। सीधे बैठ जाएं। संतो भक्ति शतो गुरुवाणी, नारी एक पुरुष दुई जाया, बुझो पंडित ज्ञानी
संतो भक्ति शतो गुरुवाणी। भाव से गाइए, दोहराइए। संतो वाहन फोरी गंग एक निकरी पाहन फोरी गंग एक निकरी जहों देश पानी पानी तेही पानी शतो गुरुवाणी उड़ी माखी तरवर को लागी बोले कई बानी वह माखी गर्भ रहा बिनु पानी संतो भक्ति शतो गुरुवाणी। वाह। संतो भक्ति शतो गुरुवाणी। बहुत सुंदर। उड़ी माखी तरवर को लागी। माखी किसे कहते हैं? माखी जिसको आप मक्खी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में जिसको माछी कहते हैं, माछी, उसको कबीर साहब माखी कहते हैं। कुछ लोग उसे मक्खी कहते हैं। जो आपके रसोई में घरों में उड़ उड़ कर विभिन्न स्थानों पर आपके बदन पर आपके भोजन राशन सामग्री पर बैठ जाती है और मक्खी बहुत अपवित्र होती है क्योंकि उसके पास में बैठने का विवेक नहीं है। कहीं भी बैठ सकती है। गंदगी में बैठकर फिर तुम्हारे भोजन की सामग्री के ऊपर बैठ जाती है। गंदगी उसके पैरों में पंखों में पेट में छू जाती है, स्पर्श कर जाती है और फिर वो मक्खी उड़कर आती है और तुम्हारी नाक पर बैठ जाती है, नाक पर गंदगी लगा देती है, मुंह पे बैठ जाती है, गाल पे बैठ जाती है, हाथ पे बैठती है, कपड़ों पे बैठती है। अब जहाँ वो बैठती है वहाँ पर थोड़ी सी गंदगी जो उसके बदन में चिपकी हुई थी उसको वहाँ पर चिपका देती है, चिपट जाती है। अब उसको लगती है कि यहाँ भी गंदगी है नहीं तो नहीं चिपकाया है, दूसरी जगह से चिपका के लाई थी और यहाँ बैठी है तो यहाँ भी चिपक गई है। अब उसको उस गंदगी जो बदबू है उसमें उसे खुशबू आती है, फिर बार बार तुम्हारी नाक पर आएगी, गाल पर आएगी, मुंह पर आएगी, मस्तक पे आएगी, हाथ पे आएगी। तुम सोचोगे कुछ है नहीं फिर भी आती है, क्या खाती है? वो उसी गंदगी को चाटने के लिए आती है। जो गंदगी उसके पेट में लगी थी वहाँ छिपका दिया उसने। तो ऐसी मक्खी इधर से भगाओ तो उधर चली जाती है, उधर से भगाओ तो इधर चली जाती है, ऊपर उड़ जाती है फिर नीचे आ जाती है। छोटी सी मक्खी तुमको तंग कर देती है। अब एक दूसरी और मक्खी है जिसको मधुमक्खी कहते हैं
और मधुमक्खी में भी तीन प्रकार की मक्खी होती है। छोटी मधुमक्खी जिनको भुनगा जैसी कहते हैं, और एक मंझले साइज की मीडियम आकार की मधुमक्खी, और एक बड़ी मधुमक्खी जिसको भैंसाहू मधुमक्खी कहते हैं। भैंसाहू है, बहुत बड़ी है। वो जब हमला करती है तो उसके हमले से लोग मर भी जाते हैं, क्योंकि उसके बड़े बड़े डंक होते हैं और डंक में बहुत जहर होता है। और जो मीडियम आकार की मधुमक्खी है उसके हमले से बहुत कम लोग मरते हैं, लेकिन जो बहुत छोटी छोटी मधुमक्खी है उसके हमले से कोई मरता नहीं, उसके अंदर बहुत कम जहर होता है। लेकिन मधुमक्खी मधु निर्माण का कार्य करती है। पर मक्खी क्या निर्माण करती है? मक्खी गंदगी फैलाने का काम करती है, गंदगी फैलाती है। यहाँ की गंदगी चिपका के ले जाएगी और जहाँ जहाँ बैठेगी वहाँ चिपका चिपका कर छोड़ती चली जाएगी, वो मक्खी है। ऐसे ही समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो वे हैं जो मक्खी हैं, जो गंदगी फैलाने का काम करते हैं, बुराई फैलाने का काम करते हैं, कहीं से भी बुराई सीख कर आते हैं, फिर उसको अपने घर में भी फैलाएंगे, गांव में फैलाएंगे, जिले में फैलाएंगे, रिश्तेदारों में फैलाएंगे। वो मक्खी हैं, वो गंदगी ही ढूंढते रहते हैं, गंदगी फैलाते रहते हो, गंदगी में जीते रहते हो, गंदगी में पड़े रहते हो, गंदगी छूते रहते हो, गंदगी ढूंढते रहते हैं, और गंदगी ही उनकी ज़िंदगी है। लेकिन दूसरे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो मधुमक्खी जैसे लोग हैं, और मधुमक्खी जैसे जो लोग हैं समाज में, परिवार में भी हैं, समाज में भी हैं, शहर में भी हैं, गांव में भी हैं, राजनीति में भी हैं, चिकित्सा क्षेत्र में हैं, संतों में भी हैं, भक्तों में भी हैं, मधुमक्खी हैं, तो वे क्या करते हैं? सार सार को ग्रहण करते हैं और सार सार को इकट्ठा करके उसको मधुरस बना देते हैं, हनी बना देते हैं, इंग्लिश में जिसको हनी कहते हैं, और जिसको ग्रामीण भाषा में शहद कहते हैं। सार सार इकट्ठा करके उसको शहद में बदल देते हैं, फिर वो शहद बीमारियों में काम आता है, खांसी, खुर्रा, बलगम, फेफड़ों में कुछ डिस्टर्ब, तो शहद एक चम्मच खा लीजिए, आपको आराम मिलेगी। उस शहद के साथ में बहुत सी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की दवाइयाँ, चूर्ण, चटनी जैसे सब मिक्स करके भी खाए जाते हैं, और वो आरोग्यता प्रदान करता है। लेकिन मधुमक्खी आरोग्यता प्रदान करती है अपने शहद के द्वारा, पर मक्खी अपनी गंदगी के द्वारा रोग उत्पन्न करती है, बीमारी पैदा करती है, इन्फेक्शन पैदा करती है, रिएक्शन पैदा करती है, और आपके शरीर में बहुत सारे रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए जिन घरों के लोग ज़्यादा गंदगी में रहते हैं वहाँ बीमारियाँ ज़्यादा रहती हैं, वो सब बीमार रहते हैं। गंदा जल पियोगे, गंदी वायु सांस में खींचोगे, गंदी जगह में सोओगे, गंदी थाली में खाओगे, आपके किचन में गंदगी है, मक्खी है, कीड़े उड़े मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, गुझिल रहे हैं। कितने लोग तो गेहूं के साथ में कीड़े भी पीस देते हैं, घुन उन सब पीस करके, आटा बना करके, फिर रोटी बना करके और घी लगा कर खा लेते हैं। कोई बोलता है इसमें छोटे छोटे घुन थे, तुमने निकाला नहीं, बात मेरी सुन, गेहूं में है घुन, इनको क्यों पीसे दे रहे? तो बोलते हैं, अरे लोग बकरा भेड़ा खा जाते हैं, सुअर गधा खा जाते हैं, वो सब हजम कर जाते हैं, तो इतना छोटा कीड़ा हम नहीं हजम कर पाएंगे, इतना उदाहरण देते। अब वो सब गंदी चीज़ें खाने से बीमारियों का जन्म होता है, शरीर में इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है, एंटीबायोटिक कम हो जाती है, अर्थात शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है,
फिर थोड़ा सा मौसम बदलता है, वो व्यक्ति बीमार हो जाता है। सर्दी आएगी, बरसात जाएगी, बीमार। सर्दी जाएगी, गर्मी आएगी, बीमार। गर्मी जाएगी, वर्षा आएगी, बीमार। रोगों से लड़ने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। गंदगी बीमारी को बढ़ाती है। सफाई और शुद्धता आरोग्यता प्रदान करती है। इसलिए कपड़े साफ पहनो, भोजन साफ शुद्ध करो, घर को साफ सुथरा रखो, बेड की चादर भी धुलकर साफ रखो, तकिया का कवर भी धो। कितने लोगों की तकिया के कवर में इतना तेल, इतनी गंदगी, दो तीन साल खोपड़ी का सारा मैल पसीना रबड़ी बनाकर लगाया है। तकिया थी तो सफ़ेद रंग की, लेकिन वो हो गई काली, जहाँ जहाँ वो रखते हैं खोपड़ी, और उसको धोते भी नहीं। और पति पत्नी दोनों वो तकिया को गंदा कर रहे हैं, उसमें सब खोपड़ी के बाल रगड़ रहे हैं। तकिया में हमेशा कवर लगाइए, सिरहाना वाली तकिया, और गद्दे के ऊपर चादर बिछाइए, क्योंकि गद्दे में तकिया में रुई भरी होती है, उसको धोया नहीं जा सकता। धोओगे तो रुई सड़ जाएगी, सूखेगी नहीं। और ऊपर जो कवर है, जो चादर है, बेडशीट है, उसको धो सकते हो, धो सकते नहीं धोइए, धो सकते की बात नहीं है, धो दीजिए। हाँ, आलस्य मत कीजिए। हाँ, सकने की क्या बात है, पानी में डुबाइए, पाउडर में डालिए, धोइए, गंदगी मत रखिए। घास फूस की भी जहाँ तुम छिलका डाल दोगे सड़ेगा, गंदगी होगी, बदबू आएगी, कई प्रकार की मक्खियाँ इकट्ठी होंगी। मक्खियों में भी कई प्रकार की मक्खियाँ होती हैं। मक्खियों में भी एक बहुत बड़ा माखा है, डिंगार जैसा, बहुत भन्नाहट चलता है, और कई मॉडल के उसमें हैं। किसी का लाल मुंह है, किसी का काला मुंह है, किसी का छोटा मुंह है, किसी का मोड़ बड़ा है, अजीब अजीब मॉडल। उनके नाम बायोलॉजी में पढ़ाए जाते हैं, सब अलग अलग, सब इनका डिस्कस होता है। लेकिन समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो मक्खी स्वभाव के लोग, जो गंदगी फैलाने का काम करते हैं, विकृति फैलाने का काम करते हैं, दोष दुर्गुण फैलाने का काम करते हैं, बुराइयां फैलाने का काम करते हैं, समाज को दूषित करते हैं। एक तो वे लोग हैं जो मक्खी की तरह समाज में बुराइयों की, बीमारियों को फैलाने में लगे रहते हैं। ऐसे लोग मक्खी हैं, उनको उड़ाकर भगाकर दूर करना चाहिए, उनकी सफाई करना चाहिए, ताकि हमारे आपके जीवन में, समाज में किसी प्रकार के दुर्गुणों की गंदगी इकट्ठी ना हो, ताकि सबकी जिंदगी स्वस्थ और सुखी हो सके। जोरदार ताली बजाया करो, इतना दबे दबाए तुम लोग हो। साहिब बंदगी। दूसरी मधुमक्खी, दूसरे समाज में ऐसे लोग हैं जो मधुमक्खी की तरह सार सार ढूंढ कर लाते हैं। साधु होना चाहिए जैसे सूप सुभाए। साधु का अर्थ तो एक ये है कि जो साधु जैसे वस्त्र पहने और साधना करे, वो भी साधु है। लेकिन दूसरा वो भी साधु है, कबीर ने कहा है, जो सज्जन होता है उसको भी साधु कहते हैं। जो आदमी सज्जन है तो समाज में कहते हैं तुम तो पूरे ही साधु जैसे ही हो, इतना सज्जन आदमी साधु संत जैसे। साधु संत की विशेषता है सज्जनता, साधु संत की ये विशेषता नहीं कि उदंडता, उश्रृंखलता, नहीं। साधु संत की विशेषता है सज्जनता, शालीनता, सभ्यता, सुशीलता, सौम्यता। ये साधु संत का लक्षण है, ये लक्षण आपको साधु संत बनाते। और ये लक्षण यदि पैंट शर्ट पहने हुए व्यक्ति में है, यदि ये जगरूप में है, तो ये पीले कुर्ते में भी ये सज्जन व्यक्ति है।
ये लक्षण आदमी को सज्जन बना देते हैं। और ये लक्षण अगर दृढ़ता के साथ तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गए और तुम्हारे आचरण में मजबूती के साथ में चमकने लगे तो फिर तुम साधु बन गए, साधु हो गए। सज्जन के बाद साधु बनने का नंबर है। पहले आप सज्जन ही बनोगे फिर साधु बनोगे। सज्जनता पहली सीढ़ी है। पहले प्राइमरी में पढ़ोगे और फिर जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल और ट्वेल्थ और डिग्री कॉलेज, एमएससी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डीलिट, पीएचडी सब करते रहोगे, किन पहले प्राइमरी स्कूल। तो सज्जनता ये प्राइमरी स्टेज है। आप सज्जन बनो। किसी गांव में एक बालक रहता था। उस बालक को लोग देखते थे, कहते थे ये गांव में तो रुकेगा नहीं, बहुत सज्जन है, ये तो संत रूप है, ये गांव में तो रुकने वाला नहीं है, ये एक दिन चला जाएगा, गांव छोड़ेगा ये। तो उसको बहुत से लोग समझाने में भी जुट गए कि भाई समझाओ इसको, नहीं तो गांव छोड़ के चला जाएगा तो क्या होगा। गांव के लोग भी चाहते हैं कि हमारी भी संख्या घटने ना पाए, इसमें भी शराबी भी चाहते हैं कि हमारी संख्या ना घटे, जुआरी चाहते हैं हमारा ग्रुप कम ना हो, आतंकवादी चाहते हैं हमारे गुट के लोग कम ना हो, चोर भी चाहते हैं हमारे जैसे चोट्टे एक दो बढ़ना चाहिए, पूरी जमात तैयार होनी चाहिए, कम न पड़े। साधु भी चाहता, जो सच्चा साधु है वो चाहता है और दो चार साधु बने, जमात बड़ी हो, संत मंडली तैयार हो। और जो कच्चा साधु है वो तो खुद ही डगमग है और दूसरे को भी डगमगाता है, दूसरे को भी डरवाता है और कहता है अरे भाई सोच विचार ले हो, हाँ भाई सोच विचार ले हो, हाँ भाई। कोई आदमी दुनियादार नहीं कहता है शादी के कहले सोच विचार ले हो, अरे सब ढकेल ढकाल करवाई देते शादी, क्योंकि सास सोचत है जौने कोम हम गिरन, ये हम ढकेल की को गिराओ साथ में रहा। और तुम बताओ जादव का डरवावत हो, क्यों डरवाते हो, सोच विचार का कोई दुख है। साधु बनने से बड़ा सुख कहीं है ही नहीं। सज्जन को जो सुख मिलता है और संत को जो सुख मिलता है, निश्चिंतता का सुख, प्रसन्नता का सुख और सद्गुणों के प्रभाव का सुख, उसे जो प्राप्त होता है वो विश्व में किसी को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए संत, जब गरुड़ जी ने काकभूषणी से पूछा है कि सुख कहाँ है और दुख कहाँ है, रामलाल समझो बात, सुख कहाँ और दुख कहाँ। अब रामायण में आ जाइए थोड़ी देर के लिए, सार सार को गहिर है। काकभूषणी जी कहते हैं संत मिलन शाम सुख जग नाही। अशोक बोलो सही बात। देखो प्रतापपुर से अशोक भक्त संतों से मिलने आए, उन्नाव जिले से, बांगरमऊ से, मदार नगर से श्री जगरूप कुशवाहा रामलाल जी, राम नरेश गौतम मिलने आए, झारखंड गोड्डा गंगती गांव से ठाकुर गंगती से महान भक्त श्री अरुण शाह और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती संगीता देवी पत्नी ने उनको भेजा है, जाओ गुरु के संग थोड़ा रहो, उसका नाम संगीता है। रामदयाल जी बैतूल मध्य प्रदेश से, सिंगरौली से बजरंगबली, क्या नाम है, सुमन, सुमन आ जाओ इधर, हरिपाल बाबा तुम भी आ जाओ, सिंगरौली वाले इकट्ठे हो जाओ, एक और है महेश बाबा तुम भी आ जाओ, महेश प्रणाम करो और नजदीक आ जाओ।
जाओ बंदे गुरु की शरण। सुमन बयस लाल कपड़ों में गुरु संत गुरु को मिलने आ गए। ये हरिपाल दास सिंगरौली एमपी से, ये महेश दास सिंगरौली एमपी से गुरु से मिलने आ गए। अब ज्यादा मिल गए, जैसे शकर पानी में मिलने जाओ घुल जाए तो वापस कैसे लौटेगी, वो शरबत हो गया। अगर मिलने आए हैं कहीं घुलने लगे तो फिर यही रह जाएंगे और क्या है। आशीर्वाद है, बैठो। संत मिलन सम सुख जग नाही। गाइए, दोहराइए, याद करके जाइए, गांव में सुनाइए, लोग कहें कहां गए थे गुरु के पास, क्या सुना, बोले कुछ याद नहीं। अरे नहीं, सुना दो वहां, जो कुछ सामान खरीदने आए उसको भी सुना दो। सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। सबसे बड़ा दुख कहाँ है, दरिद्रता में दुख है। दरिद्र अभाव की जिंदगी दुखद है, जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं दुखद है, आवश्यकताएं अधूरी है दुखद है, खाने को भोजन नहीं ठीक ठाक दुखद है, पहनने को कपड़ा नहीं ठीक ठाक दुखद है, बेटी की शादी करने के लिए पैसे नहीं बहुत दुखद है, रहने के लिए घर नहीं दुखद है, चलने के लिए वाहन संसाधन नहीं दुखद है, दुखदाई है, समाज में कोई इज्जत मान सम्मान स्थान नहीं दुखद है, दवाई कराने के पैसे नहीं दुखद है, चप्पल खरीदने के लिए धन नहीं बहुत दुखद है। और ये तो दुखद है ही, इसके बाद में संतोष भी नहीं है तो महा दुखद। चलो ठीक है, ये कुछ नहीं है, कम है ज्यादा है जो है सो है, लेकिन कम से कम अगर मन में संतोष है तो मन में दुख नहीं लगेगा तो संतोष भी नहीं। अब संतोष में तो पैसे खर्च नहीं होते, संतोष जितना चाहो उतना कर लो, उसमें कोई खर्चा तो है नहीं, संतोष करने में कोई छीना झपटी भी नहीं। जितने सद्गुण हैं उनको धारण करने में कोई छीना झपटी नहीं, कंपटीशन नहीं, कमी भी नहीं, चाहे जितना तुम गुणों को धारण कर लो, नम्रता, सरलता, सभ्यता, शालीनता, सहनशीलता, सुशीलता, सौम्यता, संतोष, साहस, विवेक, निर्भयता, विचार, भक्ति, सेवा, परोपकार, शुभकामना, ये सब कितना ही तुम अपने अंदर उतार लो कोई कमी नहीं, पूरा। ऐसा भी नहीं है कि पड़ोसी ने संतोष कर लिया तो अब संतोष करने को बचा नहीं तो मैं क्या संतोष करूं, ये भी नहीं।
बड़े भाई ने संतोष कर लिया तो अब मैं क्या संतोष करूं, अब उसके पास संतोष चला गया, मेरे पास तो रही नहीं गया, ऐसी बात नहीं। पूरा विश्व संतोष करे तो भी संतोष की कमी नहीं, पूरे विश्व के लोग सहनशीलता का गुण अपनाएं तो भी सहनशीलता की कमी नहीं। और ये सब गुण निःशुल्क मिलते हैं, निःशुल्क, इसके लिए कोई फीस नहीं जमा होती। और ये गुण जिसमें होते हैं वही सफल होता है, सुखी होता है, आनंदित होता है, सम्मान पाता है, प्रोग्रेस करता है, डेवलप करता है, लक्ष्य को प्राप्त करता है। गुण बहुत बड़ी चीज है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, गहराई से देखो, सूक्ष्म रूप से, तो आपका जो विकास है, डेवलपमेंट है, आप जो आगे बढ़ना है वो गुणों के प्रभाव से ही बढ़ते हैं। परिश्रम करने का गुण, यदि आप आलसी हैं, निकम्मा हैं, निष्क्रिय हैं, कामचोर हैं, तो आप चाहे जहां रहो सभी जगह थोड़े दिन के बाद आपका नाम लोग रख देंगे कामचोर। यदि आप परिश्रमी हैं, मेहनती हैं, आपका लोग नाम रख देंगे ये बहुत पुरुषार्थी जीव है। आपके गुणों के कारण ही आपका विकास होगा, आपका सम्मान होगा, आपकी उन्नति होगी, आपको सुख शांति मिलेगी। ये गुण आपको सब कुछ प्रदान करते हैं। राजनीति में भी जिन नेताओं में गुण अधिक हैं वे नेता सफल हो जाते, और जिनमें गुण नहीं है सफल नहीं होते। साहस का गुण भी होना चाहिए, अखंड साहस, दृढ़ संकल्प का भी गुण होना चाहिए। मजबूती से संकल्प लीजिए, ये डावाडोल संकल्प। मैं जब संत बनने आया तो एक मुझे गोंडा जिले का संत मिला, यहाँ पर था, लगभग 6.5 फीट लंबा था और 1.5 क्विंटल वजन भी होगा, ब्रह्मचारी था, 35 साल उम्र थी उसकी, बिल्कुल लाल टमाटर कलर था, बहुत मोटा तगड़ा पहलवान, इतना बड़ा लोटा रखता था, उसके अंदर हाथ डाल के ऐसे हिला के चलता, 1 किलो मीठा खा जाता था, तसला भर भात, तो खाने के बाद कांखता रहता था, उं, 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 करता रहता था। मुझे मिला, मेरा, मैंने उसका शरीर ही देखा, बिल्कुल कनक भूधराकार शरीरा, तो मैं भी आकर्षित हुआ कि इतना मोटा ताजा कैसे हुआ, मैं भी कुछ हो जाऊं लंबा मोटा तगड़ा, कुछ पूछूं इससे, भाई क्या बूटी खाया है इसने, लाल बम्ब लग रहा है लाल टमाटर, मैं भी बन जाऊं लाल रंग का सेव संतरा। तो उससे मैं मिला, बात किया, तो मेरे से बोला, मैं 7 बार मुझको उपरामता हुई है, 7 बार उपरामता। उस समय मैं उपरामता का अर्थ नहीं जानता था कि उपरामता क्या होती है, 7 बार उपराम हुआ हूं। मैंने कहा तू ब्रह्मचारी है? अरे बोले 7 बार ब्रह्मचारी का संकल्प लिया। इसका मतलब क्या हुआ? तो मैं अपने गुरु से पूछा ये उपरामता क्या चीज, तो गुरु ने कहा ये 7 बार इसको उपरामता हुई है, इसका मतलब 6 बार ये वापस लुढ़क गया, और ये 7 बार ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया इसका मतलब 6 बार ये विषय भोग में गिर गया है, ये लाल बम्ब हो चाहे काल बम्ब हो चाहे एटम बम्ब हो, ये भ्रष्ट है आदमी गुरु जी ने बताया संकल्प 1 बार होता है, वो 7 बार थोड़े होता है, 1 बार संकल्प लेता है, 7 बार संकल्प लिया इसका मतलब है 6 बार तुम्हारा संकल्प टूट चुका है, इसलिए 7वीं बार तुमको संकल्प लेना पड़ा है। ये बार बार संकल्प थोड़े लिया जाता है, 1 बार संकल्प होता जिंदगी में। पूरे विश्व में भीष्म पितामह का नाम क्यों प्रसिद्ध हुआ, क्यों प्रसिद्ध हुआ?
आज जब प्रतिज्ञा की बात चलती है तो प्रतिज्ञा के आगे विशेषण शब्द भीष्म का लगाया जाता है कि भीष्म प्रतिज्ञा। जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग जानते भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म प्रतिज्ञा का मतलब क्या होता है? आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतर आए और पृथ्वी भी चाहे शेष के मस्तक से खिसक जाए और माणिक समुद्रों में हो पहाड़ों पे मगर जाएं, पर संकल्प छूटेगा नहीं, चाहे प्राण छूट जाएं, चाहे प्राण छूट जाए, इसको संकल्प कहते हैं। ये कचड़िल्ला आदमी रोज संकल्प लेता है कल से दारू नहीं पीऊंगा, परसों से फिर पीना शुरू करता है, ये काहे का संकल्प है? फिर संकल्प लेता ब्रह्मचारी रहूंगा, फिर पता चला कोई बुढ़िया लेह भगाए जा रहा, ये काहे का ब्रह्मचारी? ये कौन संकल्प तेरा? ए लेडीज भी ऐसी डामाडोल है, जब शादी होती है सात फेरे घूमते हैं तो सात संकल्प होता है, वो सात बार उसको घूम कर मजबूती से संकल्प लेती है कि इसी पति के पीछे पीछे चलूंगी। वो पीछे पीछे लेडीज चलती है, फिर आगे आगे भी लेडीज चलती, पीछे पीछे पति चलता है, वो सब जो भी गृहस्थ लोगों का नियम है। और पीछे से हाथ ऐसे पति उसके सिर पे रखता, छत्तीसगढ़ में मैंने देखा, अब यहाँ पता नहीं हाथ रखता कि सूप रख देता क्या रख देता, ऐसे हाथ रखे रहता है ऐसे, आगे आगे वो चलती रहती धीरे धीरे, मोटर मोटर चुटर पुटर सुटर पुटर, और पीछे पीछे पति चलता है। वो सात फेरे घूमे जाते हैं कि मजबूती से, जैसे बोरी में रस्सी बांधते हो ना, बोरी के मुंह में पता है, एक बार रस्सी घुमा कर बांध दो खुल जाएगी, खिसक जाएगी, रपट जाएगी, उसका मुंह खुल जाएगा, उसका सामान बिखर जाएगा। लेकिन कई बार जब घुमा के खींच खींच के कस कस के बांधोगे तो फिर उसका मुंह नहीं खुलेगा, सामान सुरक्षित रहेगा। इसलिए सात चक्कर घूमते हैं, सात बंधन, कि अब कभी ये बंधन खुलना नहीं चाहिए मजबूती से। और वहाँ वो हूँ हाँ करता है दुल्हा, और दुल्हन कहती और उसके बाद 17 बंधन और बनाती है, और ये 27 बंधन में फंसा हुआ है बगुला नरेश। क्या मतलब होता है, ये आडंबर क्यों करते हो? व्रत और संकल्प और प्रण और प्रतिज्ञा एक बार लेना होता है और जीवन भर इसका प्रभाव रहना चाहिए। भीष्म पितामह का सम्मान, उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था, उनके पिता शांतन सत्यवती से विवाह करने के लिए बेचैन हो गए थे, कमरे में पड़े रहते थे, उदास निराश सोचते रहते थे, छत को देखते रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे, अंदर अंदर परेशान थे। सत्यवती के पिता ने कहा कि मेरी बेटी का बेटा युवराज बनेगा, अगर ये शर्त मंजूर है तो मैं अपनी बेटी आपके साथ विवाहित कर दूंगा। राजा शांतन चिंतित हो गए, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था देवव्रत को कि देवव्रत, जिसका नाम बाद को भीष्म पितामह पड़ा, देवव्रत युवराज बनेगा। देवव्रत ने जब सारथी से जानकारी किया कि पिताजी चिंतित क्यों हैं, सारथी ने कहा पिताजी इसलिए चिंतित हैं क्योंकि चिंता में हैं, इसलिए चिंतित हैं। तो फिर देवव्रत ने पूछा पिताजी को चिंता किस बात की है, तो उसने जवाब दिया जिस बात के लिए चिंतित हैं उस बात की चिंता है। बड़ा होशियार आदमी है ये सारथी, अपने राजा की पोल क्यों खोले, बात को घुमा कर कहता है। गांव में एक भैंस चोरी हो गई, पुलिस आई, रिपोर्ट हुई, छानबीन हुई, संदेह में एक आदमी पकड़ा गया कि तूने भैंस चोरी की, किसने चोरी की? उसने कहा बात सुन लो, भैंस चोरी हुई है, तूने चोरी की?
तो उसने कहा भैंस जिसने चोरी की है वही चोर है। बोले चोर कौन है? बोले जिसने भैंस चोरी की है। तो भैंस किसने चोरी की है? बोले चोर ने चोरी की है। बात इधर उधर घुमा दिया। पुलिस के लोग बोले बड़ा अजीब आदमी है, मैं पूछता हूँ किसने चोरी की भैंस? घुमाता रहा ऐसे वो सारथी घुमा रहा। बुद्धिमान लोग किसी बात का उत्तर देते हैं तो ये भी सोचते हैं कि इस बात का उत्तर कहीं रिएक्शन करके, क्रिया की प्रतिक्रिया हो करके हमारे इष्ट देव के ऊपर, हमारे स्वामी के ऊपर, हमारे सेनापति के ऊपर, हमारे नेतृत्व के ऊपर, हमारे डायरेक्टर के ऊपर या हमारे गार्जियन के ऊपर छींटा तो नहीं आ रहा। इसलिए उत्तर को थोड़ा सा संभल कर देते, सावधानी से देते, शब्दों में सेटिंग कर लेते। सारथी ने कहा, देवव्रत ने कहा, सीधे शब्दों में बात करो सारथी। बोले सीधे शब्दों में अगर बात सुनना है तो देवव्रत ने कहा पिताजी शाम को रोज कहाँ जाते हैं? बोले गंगा के किनारे जाते हैं। वहाँ क्या लेने जाते हैं रोज? बोले वहाँ एक मल्लाह की बेटी है, उसका नाम सत्यवती है, उसको देख करके तुम्हारे पिताजी मोहित हो गए। मोहित क्या हो गए? मोहित। राजा शांतन जैसा हस्तिनापुर का नरेश, जिसकी रानियां हैं, राजमहल है, सिंहासन है, दासियों की भीड़ है, और वो गंगा के किनारे जा करके एक मल्लाह की लड़की को देखकर मोहित हो रहा है। सोचिए ये मन की अज्ञानता, ये मन की भूल तुमको न जाने कहां कहां घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देगी। अरे हस्तिनापुर के तुम सम्राट हो, राजा हो, महाराजा हो, राजा शांतन, तुमको थोड़ा शर्म आनी चाहिए। जवान बेटा तुम्हारा देवव्रत, तुम्हारे पास कोई व्रत ही नहीं है। हर मनुष्य की जिंदगी में व्रत का महत्व है। ब्रह्मचारी व्रत, गृहस्थ व्रत, एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत, हनुमान व्रत, दुर्गा माँ का व्रत, भगवान का व्रत, गुरु व्रत, भक्ति का व्रत, बुराइयों का व्रत, अरे दाल चावल सब्जी रोटी का व्रत लेना भी कठिन है, लेकिन मांस मछली अंडा नशा शराब का व्रत लेना बहुत कठिन है, और बुराइयों का व्रत ले लेना सबसे कठिन है, और ब्रह्मचर्य का व्रत साधु के लिए सबसे बड़ा तप है और सबसे बड़ा अमृत है, और साधु को महान बनाता है, तेजस्वी बनाता है, इसलिए शुद्ध ब्रह्मचर्य का व्रत साधु को लेना चाहिए। गृहस्थ को भी एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत का पालन करना चाहिए। सद्गृहस्थ बनो। भगवान श्री राम ने सीता के अलावा किसी नारी को देखकर वो मोहित नहीं हुई। सोचिए मोहित होने में कितना खतरा है। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को देखकर मोहित हो गए थे, उनकी भी मौत हुई थी, आंखें फोड़ी गईं, बुरी तरह से मारे गए। कलिंगा राय की बहन बेला कहीं शादी के प्रोग्राम में गई थी, वहां उदल को देखकर मोहित हुई थी, और उसके अंदर वो मोह भरा रहा आकर्षण वासना का, और उस मोह के कारण उदल की तरफ जो आकर्षण हुआ था तो उदल के द्वारा अपने भाई करिंगा राय की हत्या करा दिया था उसने, उदल को प्राप्त करने के लिए। ये मोहित होने में इतना खतरा है, तुम्हारे सगे संबंधियों की भी तुम हत्या कर दोगे, उनकी हत्या करा दोगे। ये मोहित होना कोई साधारण बात नहीं।
जहाँ जहाँ ये जीव मोहित होता है वहाँ वहाँ अपने लिए नए नए संकट को जन्म दे देता है। सब जिंदगी में शांति चल रही थी, सुकून चल रहा था, सब ठीक ठाक था, मोहित हो गए, नया बखेड़ा खड़ा हो गया, नया लफड़ा खड़ा हो गया, खाम खां का जंजाल बवाल खड़ा हो गया, घर के लोग भी तबाह हो गए। और बाप मोहित हो जाए तो बेटों का क्या हाल होगा, और जिसका पति कहीं अन्यत्र मोहित हो जाए तो पत्नी का क्या हाल होगा, और जिसकी पत्नी कोई दूसरे पुरुष में मोहित हो जाए तो पति की क्या दुर्दशा होगी, और जिसकी माँ कहीं मोहित हो जाए, हे भगवान अब क्या होगा, और जिसकी बहन मोहिनी देवी वो मोहित हो जाए तो भाइयों का क्या हाल होगा। जब रुक्मणी कृष्ण के साथ में जाती है, रुक्मणी का भाई रुक्म वो रोकने के लिए आता है, रुक्मणी के रथ को कृष्ण को रोकने के लिए, तो कृष्ण से उसका मारपीट होता, युद्ध होता, तो वो उसका हाथ वाथ काट देते हैं। फिर भगवान ने कहा तू रोड़ा ज्यादा बन रहा, चल सटासट। रुक्मणी देख रही है और अपने भाई के हाथ वाथ कटवा रही है। अरे वासना का मोह, ये सगे से सगे की भी हत्या करा देता है। इसलिए याद रखना, कृपया कहीं मोहित मत होइए। और जब मनुष्य मोहित होता है तो राजकाज भी चौपट होता है, घर बार चौपट होता है। अगर किसी मठ का मठाधीश महंत कहीं मोहित हो गया तो मठ जो है सत्यानाश हो जाता है। कितने मठ में डुप्लीकेट साधु भर गए और मठ में सठ आकर बैठ गए, और वे सठ मोहित हो गए, और मोहित हो करके उसको वेश्यालय का केंद्र बना दिया और पूरा आश्रम और मठ मंदिर की सत्यानाश मार दिया। याद रखना, यही सब करना है तो साधु बनने की जरूरत नहीं है, इसके लिए संसार का इलाका फ्री खुला हुआ है। यहां क्यों लफड़ा पालने आते हो फालतू? इसलिए मोहित मत होइए। राजा शांतन की गंगा पुत्र देवव्रत बहुत वीर और साहसी थे, प्रथम नंबर के घुड़सवार थे। देवव्रत सारथी से कहते हैं, सारथी रथ तैयार करो, पिताजी को शोक और चिंता में डूबा हुआ मैं नहीं देख सकता, चलो गंगा के किनारे सत्यवती के घर पर। सारथी रथ दौड़ाता हुआ गंगा के तट पर पहुंचा और बताया ये घर है। देवव्रत अचानक अंदर घुसा, उसके बाप को बोला इधर आओ, अपनी बेटी को रथ में बिठा दो तुरंत। तो उसने शर्त बताई, बोले शर्त मंजूर है और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं शादी ही नहीं करूँगा, मैं ब्रह्मचर्य से रहूँगा, तो मेरा कोई बेटा उटा होगा ही नहीं, इसलिए तुम्हारी बेटी का बेटा ही राजा बनेगा, युवराज बनेगा, महाराजा बनेगा, लेकिन मेरे पिताजी को आपकी बेटी चाहिए, आपकी बेटी को पाकर उनकी चिंता दूर होगी, इसलिए तुरंत रथ पे बिठाओ, देर मत कर, चल। डपट लगा दी। राजा शांतन की डपट को सुन करके सत्यवती के बाप का पसीना छूट गया। खतरनाक आदमी, बहुत वीर आदमी था, एक बाण मार दे तो आग लग जाए, बहुत बड़ा धनुषधारी था। एक दिन में कौरव पांडव दोनों सेनाओं को नष्ट करने की क्षमता उसके पास में थी। सत्यवती को रथ में बिठा करके दौड़ाते हुए लेकर के अपने बाप शांतन के कमरे में सत्यवती को प्रवेश किया कि पिताजी चिंता मत कीजिए, जिसको तुम चाहते थे वो लाकर आपको दे दिया, बस इसके साथ शादी करो। बोले तेरा क्या होगा? बोले मैंने व्रत ले लिया, प्रतिज्ञा ले ली, मेरे को ना शादी करना है, ना औरत का भोग विलास करना है, ना बच्चे पैदा करना है, मुझे अब सादा ही जीवन जीना है, ब्रह्मचारी रहना है, लेकिन मैं अपने पिता को दुखी नहीं देख सकता हूँ, तुम पिताजी खुश रहो, ठीक है। राजा शांतन थोड़ी देर सोचते हैं, फिर विचार करते हैं कि ये बूढ़ा शरीर है शांतन,
विषयों को भोगने के लिए बुढ़ापे में भी वासना कमजोर नहीं हो सकी, लेकिन ये शरीर जर्जर हो चुका है। और ये नौजवान बेटा देवव्रत, जिसने अपनी जवानी में जवान वासनाओं को भी नेस्तनाबूत कर दिया और आज प्रतिज्ञा ले ली है कि अब ये विवाह नहीं करेगा, मेरा बेटा पूजनी है और मैं तो निंदनी हूँ, मेरा मन कितना डामाडोल है, मेरा बेटा कितना महान है। विचार करना, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें सीखना है कि बाप की चिंता को मिटाने के लिए देवव्रत, ब्रह्मचर्य के व्रत की भीष्म प्रतिज्ञा ले लेते हैं, भीष्म प्रतिज्ञा। और कितने बेटे आजकल ऐसे हैं कि मन की चंचलता को पूर्ण करने के लिए न जाने किस लड़की को भगा कर ले जाते हैं, तो माता पिता को चिंता की चिता में ढकेल कर जला कर राख कर देते हैं। उन बेटों को धिक्कार है, सोचना चाहिए कम से कम भीष्म प्रतिज्ञा लेकर के तुम ब्रह्मचारी नहीं बन सकते हो, मत बनो, लेकिन इतनी तो प्रतिज्ञा ले लो लाज और मर्यादा के अंतर्गत रहो, ताकि तुम्हारे माता पिता को चिंता की ज्वाला में जलना ना पड़े और माता पिता प्रसन्न रहे, उनको चिंता ना हो, गृहस्थ आश्रम भी जियो लेकिन राम बन कर जियो, एक पत्नी व्रत का पालन करो। ये सब ओट पठांग काम करना बंद करो साहेब, बंद। अब प्रवचन भी बंद होने वाला है, 4 बजे शुरू हुआ था, 5 बज गया है, नहीं बंद होगा अभी, क्योंकि थोड़ा और सुनाना है। उड़ी माखी तरवर को लागी, बोलिए गाइए सब बोलिए, माखी तरवर को लागी, पूरा पूरा बोले ते पानी, आहा वह माखी को माखा नाही, वह माखी हो कबीर, क्या पंक्तियां हैं आपकी, क्या ज्ञान है आपका, गर्भ बीजक में भर दिया है ज्ञान का सागर पानी, एक एक शब्द पर 2-2 महीने प्रवचन हो रहा है तो फिर भी उसकी थाह नहीं मिल रही। धन्य हो प्रभु गुरुवाणी, सही पानी दुए पर्वत बूढ़े तेही पानी, राजा शांतनु के दरबार में किसी गुरु का महत्व नहीं है, राजा शांतनु के दरबार में सत्संग का माहौल नहीं है, और जहाँ सत्संग और भक्ति का माहौल नहीं होता है, संत और गुरु का महत्व नहीं होता है, याद रखना वहाँ पर वासनाएं जोर शोर से उत्पात खुराफात करना शुरू कर देती है। इसलिए अपने दरबार में, अपने द्वार में, अपने घर बार में सत्संग का माहौल बनाइए, ताकि वासनाओं की घास समन हो जाए और आपकी जिंदगी में सुख शांति और अच्छे संस्कारों की फुलवारी खिल जाए और जिंदगी शांति की सुगंध से भर जाए। गाइए गाइए, नारी सकल पुरुष वे खाए, नारी सकल पुरुष वे खाए, ताते रहे अकेला, ताते रहे अकेला, कहे कबीर जो अब की बूझे, कहे कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला, संतो भक्ति सतो गुरुवाणी, संतो भक्ति सतो गुरुवाणी, नारी एक पुरुष दोई जाया, नारी
पुरुष दोई जाया बूझो पंडित ज्ञानी बूझो पंडित ज्ञानी संतो भक्ति सतो गुरुवाणी संतो भक्ति सतो गुरुवाणी। इन पंक्तियों से इस स्टोरी से पिताओं को भी सीखना चाहिए। जब भीष्म पितामह देवव्रत भीष्म प्रतिज्ञा लेकर के आजीवन ब्रह्मचारी रह सकता है, आप बुढ़ापे में अपने मन पर संयम नहीं साध सकते हो। धिक्कार है ऐसे राजाओं को, धिक्कार है ऐसे नेताओं को, और धिक्कार है ऐसे लोगों को जो वृद्धावस्था में जर्जर शरीर हो गया लेकिन उनकी वासना जवान है, ऐसे लोगों को धिक्कार है। अपनी वासना को भी कमजोर कीजिए, आपका शरीर कमजोर हो गया है, मरने से पहले अपनी वासना को मार दीजिए, ज्ञान की आग में वासनाओं को जलाकर भस्म करिए। चिता पर तुम्हारा शरीर जले उससे पहले ज्ञान की आग में अपनी वासनाओं को कामनाओं को जलाकर भस्म कर दीजिए तो आपका नाम भी अमर हो जाएगा। धन्य हो भीष्म पितामह, व्यासगादी देवव्रत को धन्यवाद दे रही है, ऐसे लोगों को धन्यवाद है जिन्होंने इतना बड़ा संयम साधा है। आपका व्रत, आपका संकल्प, आपकी प्रतिज्ञा दृढ़ होनी चाहिए, डामाडोल नहीं होनी चाहिए, डिगना नहीं चाहिए, मजबूती। भक्ति का व्रत लिया है, गुरुभक्त बन गए, अब कभी अंडा मुर्गा मछली मांस दारू जुआ को टच नहीं करना। इस व्रत को भी अच्छी तरह निभाइए। कितने लोग भक्ति का व्रत लेते हैं, साल दो साल बाद फिर बिगड़ गए, फिर जैसे के तैसे लल्लू राम हो गए। उनके घर के लोग कहते हैं साल भर सुधरे रहे और फिर वैसे ही कढ़ले रामी घसीटत जाए रहे, फिर बैठे ताश खेल रहे, फिर जुआ खेल रहे, दांव पर दांव लगा रहे, शर्म नहीं लगती? अरे गुरु बनाया है, गुरु का भी नाम डूबा रहा है। शिष्य की गलती गुरु के भी सम्मान में कमी ले आती है और शिष्य की सावधानी और अच्छाई गुरु के सम्मान को 100 गुना बढ़ा देती है। याद रखना, अर्जुन का योग्य होना द्रोणाचार्य का नाम ऊंचा कर देता है। गुरु की महानता शिष्य को आदर दिलाती है, इसलिए गुरु को भी अपनी योग्यता में कभी कमी नहीं आने देना चाहिए। गुणवान बनो, वैराग्यवान बनो, महान बनो, श्रद्धा भी अटल हो। रोज डावाडोल हो रहे हैं, रोज डाल डोल जा रहे हैं, कोई ठिकाना ही नहीं है, रोज मोह ममता है। अरे सब कर ममता ताग बटोरी। कितने लोगों को मैंने कहते सुना है, अरे साक्षात कलयुग आ गया है, अब दुनिया में साधु संत का कोई सम्मान नहीं। अरे कितना बड़ा कलयुग आ जाए लेकिन जब लोगों को खीर बनाना होगा तो उसमें गुड़ शक्कर ही तो डालेंगे, उसमें कोई मिट्टी थोड़े डाल देंगे। कितना बड़ा कलयुग आ जाए, कितना बड़ा कलयुग आ जाए, ठंडी लगेगी तो रजाई ही तो ओढ़ेंगे, हीटर ही चलाएंगे।
अब ठंडी लगेगी तो ऐसा तो नहीं गोबर लपेट के सो जाएंगे। कलयुग पलयुग कुछ नहीं, सच्चे संत बनो। तो संत में तो वह ताकत है कि कलयुग को भी सतयुग में बदल देता है, उसी का नाम संत होता है। तुम चिल्लाते घूम रहे हो गांव गांव में गली गली में, अरे साक्षात कलयुग आ गया भाई, अब क्या है, अब तो कोई धर्म कर्म मानते नहीं लोग, ना साधु संत को मानते। मानते सब हैं, साधु संत सच्चा मिलना तो चाहिए ना, लफंगे साधु को कौन मानेगा। लेहे फूट कमंडल घूमत इधर उधर और पीछे दुई सधुनी लेहे घूमत, वैस पता चलेगा तुम कत्ते बड़े साधु हो। बाबा के साथ दुई चार दाई लगी, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां एक साथ खनकाऊंगी, राम श्याम का भजन रात में गाऊंगी। पागल कहीं का। और बताते कलयुग आ गया, कलयुग कहीं नहीं है, तुम्हारे अंदर खुद कलयुग भरा है। हाँ, आज भी सच्चे संतों की मान्यता है, वो तो उसका मुखमंडल का दर्शन ही बता देता है कितना तेजस्वी व्यक्ति है। कृपा की दृष्टि ही बता देती है किस व्यक्तित्व के सामने आ चुका हूं। उसकी वाणी से ही आज हमारे परम भक्त उन्नाव बांगरमऊ के जगरूप से कुशवाहा, ऊपर आ जाओ इधर और नमस्कार करो, कह रहे थे हमारे बड़े भाई कन्हैया लाल प्रधान जी, वो भी गुरु खूब ढूंढे हैं यहाँ पास में, हम भी गुरु ढूंढे हैं। हाँ जो ताली बजा दो, इनका अभिनंदन करो, खूब गुरु ढूंढा है इन्होंने। बोले चित्रकूट में जाकर तुम्हारा प्रोग्राम था, वहाँ भी चेक किया आपको, मेरे भाई साहब ने प्रयागराज में चेक किया और दोनों की चेकिंग में, दोनों की परीक्षा में पास हो गए, तब फिर प्रोग्राम ले लिया और गुरु बना लिया, बात खत्म हुई और गुरु मिल गए। अब इनके पीछे बहुत गुरु लगे हुए थे, सब झोरा झंडा कंठी माला लेकर घूम रहे थे कि जगरूप को चेला बनाना है, कन्हैया लाल को गोल कर देना है। ये बोले भाई ये कोई समझौता की बात नहीं है, गुरु हम बनाएंगे लेकिन जो पसंद आएगा उसको बनाएंगे, ऐसे थोड़े गुरु बना लेंगे हम, मेरा मन पसंद करूंगा, देखूंगा लक्षण गुरु के। और वास्तव में गुरु करे जान के पानी पिए छान के। गुरु समान दाता नहीं, माइक के पास जाओ बोलो दो मिनट, याचक से समान तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन दान। गुरु सेवा जन बंदगी, सतसंगत बैराग, ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़ भाग। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो, गुरु कुशवाहा उन्नाव बांगरमऊ मदार नगर वाले परम भक्त, जिनके पास में स्कूल विद्यालय भी है और जिनके पास में सोने चांदी की दुकान भी है और जिनके पास में गुरु भक्ति भी है और गांव की प्रधानी भी है, उनको लोग उनके भाई को विधायक बनाना चाहते और इनको चाहते प्रधान बना दो, पर ये कहते हैं फिर घर कौन संभाली। मैं उनसे कहूंगा गुरु खोज करने की कहानी दो मिनट में सुना दीजिए, कैसे गुरु की खोज किया।
जो गुरु को ढूंढा है वो कहानी सुनाओ माइक में। पहले हमने गुरु जी, हम कबीर पंथ आश्रम से काफ़ी दिनों से जुड़े थे, करीब 10-12 साल हो गया। लेकिन हमारे जो गुरु थे, जो जिनको मैंने अपने मन में ठान रखा था, लेकिन उनसे गुरुदीक्षा नहीं ले पाई, वो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, छोड़ दिया, और गुरुदीक्षा नहीं ले पाई। तो मेरा प्रण था मैं अब कबीर पंथ से ही जुड़ूंगा, कोई अच्छा संत जब मिलेगा गुरु बनाने योग तभी, लेकिन गुरु मंत्र लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे। फिर हमने YouTube पे जब देखा तो गुरु जी के प्रोग्राम देखे तो हमें कुछ लगा, अच्छा लगा, तो हमने भाई जी को, बड़े भाई जी को अपने इलाहाबाद वहाँ पे भेजा। भैया भाभी सब लोग गए, 3-4 दिन रुके, सत्संग सुनी और उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत सत्संग मतलब प्यारा लगा सब सिस्टम वहाँ पे। तो हमसे फ़ोन करके बताया तो हमने कहा क्या करोगे आप, गुरुमंत्र ले लो वहाँ पे। तो कहले नहीं, ऐसे नहीं लेंगे गुरुमंत्र, अब हम तो सब समझ गए हैं, यहाँ का सिस्टम अच्छा हमें लगा, लेकिन अब तुमको कहीं पे भेजेंगे, देखते हैं आगे कहाँ प्रोग्राम है गुरु जी का। तो इनका दूसरा जब YouTube पे देखा तो सिद्धपुर बनारी चित्रकूट वहाँ पे लगा था। हम और हमारी वाइफ दोनों लोग वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पर गुरु जी के साथ 3-4 दिन रुके और हमें बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। वहीं पे हमने अपने मन में ठान लिया अब गुरु जी से गुरुदीक्षा जब ही लेंगे, जब हम इनका प्रोग्राम सत्संग कराएंगे घर पे, 2-4-5 लाख रुपया खर्च करेंगे, उसके बाद में हम गुरु जी से गुरुदीक्षा लेंगे। और अपने घर में ही मैंने गुरु मंत्र लिया, वहीं पे अपना जो है सिस्टम पूरी फैमिली एक साथ बैठ के लिया। मेरे द्वारा पीछे से जब हमको देखा लोगों ने लेते हुए, तो कम से कम वहाँ पे 100 लोगों ने और गुरुदीक्षा ली। जोर से ताली बजा दिया करो साहेब। ये हमारे जगरूप कुशवाहा जी ने अपनी कहानी सुनाई गुरु भक्त होने की। इनको व्यास गाती बहुत धन्यवाद देती है, शुभकामना करती है, और महान भक्त है और इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसा हम अपने गुरु से भी इनके लिए आशीर्वाद मांगते हैं। साहब बंद है। गुरु भक्ति में तू लगा ले लगन, गुरु भक्ति में तू लगा ले लगन, तेरे लगाले लगन। आज के दानी भक्त उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बस्ती ग्राम टिनिच शुक्ल, श्री विजय कुमार यादव जी, श्रीमती रीमा यादव उनकी पत्नी, पुत्र शिवम यादव, आपने गुरु से बहुत प्रेम है, गुरु सेवा के लिए 1100 की राशि तुरंत अकाउंट में भेजा है, ताली बजा कर इनका अभिनंदन कीजिए। धन्य हो विजय कुमार। दान दिए धन ना घटे जो सहाय कबीर, तुलसी पंछिन के पिए घटे न नदियो नीर। दान करने से धन नहीं घटता है, दारू पीने से धन घटता है। दान करने से इतना पुण्य हो जाता है कि फिर मिट्टी छुओ तो सोना बन जाती है। आज हमारे एक महान दानी भक्त पधारे हुए हैं, श्री अरुण शाह ठाकुर गंगती, डिस्ट्रिक्ट गोड्डा झारखंड से आप सूरत में सर्विस करते हैं। आइए आप गुरु के श्री चरणों में अपनी बेटी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप एक चांदी की चैन दान करना चाहते हैं, ऊपर आ जाइए।
और ये सोना और चांदी दान करने वाले भक्तों को व्यास का दिया आशीर्वाद दे रही है। इसी दान से महाकालेश्वर के दरबार में उज्जैन में बहुत सुंदर भव्य आश्रम बनेगा। जो भी भक्त नर नारी सोना चांदी भेंट करेंगे और रुपया पैसा, वो सब उज्जैन में मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर के दरबार में छिपरा माँ के गंगा के तट पर बहुत सुंदर भव्य आश्रम बनेगा और उस आश्रम में लाखों भक्तों को सत्संग सुनाया जाएगा, ध्यान कराया जाएगा, उनका कल्याण भी होगा। ये देखिए चैन, ये भी अपनी कहानी बताएंगे थोड़ा दो मिनट कि कैसे हम गुरुदेव से जुड़ गए। अभी गुरु मंत्र नहीं लिया है, कल गुरु मंत्र लेने की इच्छा है। इनकी वाइफ भी लेंगी, ये भी लेंगे। जरा बताइए गुरुदेव से जुड़े इनको बहुत लाभ हुआ है। आश्रम में पौधों के लिए भी इन्होंने 3000 की राशि भेजा था। एक दिन सुखद सत्संग समागम करवाया था, 4 जून को शायद इनका समागम हुआ था अरुण शाह का, 11,000 राशि उसके लिए भी भेजा था। और इनकी पत्नी श्रीमती संगीता देवी शाह है, निवासी चंजोरा ठाकुर मंगंगती के रहने वाले हैं। 7,000 रुपये आरओ खरीदने के लिए, पानी फिल्टर मशीन के लिए भी दान भेजा था। जो भी सुनते हैं गुरु जी का कुछ सेवा है तो उसमें तुरंत आगे हाथ बटाते हैं। ऐसे महान भक्त हैं अरुण शाह, गोड्डा झारखंड प्रदेश से। आइए उनके द्वारा दो शब्द सुनिए। गुरु के चरणों में साहेब बंदगी, आगे और बढ़ जाओ। मैं तो पहले YouTube पे सत्संग सुनता था, उससे बहुत हमको फायदा हुआ। पहले गुस्सा भी बहुत ज़्यादा था, गुस्सा भी कम हुआ, इसलिए मैंने संकल्प लिया कि गुरु के चरणों में और अपना सब कुछ समर्पित करूँगा, दान दक्षिणा भी दूंगा और गुरु दीक्षा भी लूँगा। इसके आगे तो मैं कुछ नहीं करूँगा साहेब बनके। वाह वाह, क्रोध सबन को काल है, क्रोध ही है जंजाल। शिव दुर्वासा क्रोध बस बहुत ही भय बिहार। क्रोध सबन को काल है, क्रोध ही है जंजाल। धन्य हो अरुण शाह। शिव दुर्वासा, ये सब भक्त नए नए हैं, कभी माइक में बोले नहीं है, अचानक गुरु की आज्ञा हो जाती है, आज्ञा का पालन करने के लिए बोलते हैं लेकिन संकोच लगता है, हैं तो सब ज्ञानी बुद्धिमान हैं। शिव दुर्वासा क्रोध बसे बहुत नहीं भय बिहार। कपिल मुनि के क्रोध ने मारे सगर के पूत। शिव सन कादिक क्रोध करी राक्षस किए हरि दूत। आज के महान भक्त जौनपुर उत्तर प्रदेश के निवासी, तहसील मड़ियाहूं, गांव गदनपुर, श्री सुबेदार सिंह राजभर, उनकी पत्नी श्रीमती पार्वती देवी, पुत्र मुकेश कुमार, राकेश कुमार, बेटी चंदा देवी, गुंजा देवी, निवासी मदनपुर है कि गदनपुर है, चलो जो हो संभल लेना, गदनपुर जौनपुर उत्तर प्रदेश। धन्य है सुबेदार सिंह का परिवार, धन्य हो पार्वती देवी, आपने आज 11,000 की राशि भेजकर, गुरु दक्षिणा भी भेजकर आश्रम में सुबह का जलपान, दोपहर का भंडारा, शाम का फिर भंडारा,
आने वाले साधु संत ब्रह्मचारी भगत जगत सबके लिए इंतजाम करवाया है और बहुत बड़ा आपने पुण्य का कार्य किया है। आपकी राशि से आज का सुखद सत्संग लाइव टेलीकास्ट हुआ है, यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक चैनल पर लाइव हो रहा है, करोड़ों श्रोता सुन रहे हैं। लाइव सुनने वाले श्रोताओं को भी व्यास का दी धन्यवाद दे रही है और अभी 15 सितंबर तक यहाँ पर निवास है, आप सभी को आमंत्रण भी है, आइए पधारिए, स्वागत आपका है, धन्यवाद। और संभव हो सकता है, प्रबंधक मंडल की मीटिंग चल रही है कि लखनऊ में भी 10-11 दिन का प्रवास रहेगा और वहाँ भी लाइव टेलीकास्ट सत्संग चलने की संभावना है ताकि लखनऊ सेंटर में सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें, ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोए। शांति शांति शांति। सभी श्रोता नयन बंद करके थोड़ी देर ध्यान मुद्रा में विराजित हो जाएं। नैन खोल कर दर्शन करें, अंजलि बांध कर तीन बार सिर झुकाकर साहिब बंदगी बोले, साहिब बंदगी, साहिब। ये हमारे महान भक्त भी कुछ आ गए हैं, आगे आ जाइए, यहाँ यहाँ आकर प्रणाम करिए, बुला लाइए इनको, संकोच न करें। कहाँ से आए हैं ये भी पूछताछ कर लीजिए। कहाँ से पदार्पण हुआ है? जिला पंचायत शिवनंदन, जय रघुनंदन, जय घनश्याम, जिला पंचायत है शिवनंदन, धन्यवाद, शुभकामना। फल फ्रूट भी लाए हैं, चार मूर्ति आए हैं, केला और सेब लाए हैं, आशीर्वाद, धन्यवाद शिवनंदन जी। आइए शिवनंदन, दो मिनट माइक में सबको नमस्कार करिए, उधर चढ़ जाइए आप लोग, वहाँ कुर्सी बैठ जाइए, निकल जाइए फटाफट। आरती अभी दूर रखिए, थोड़ा दो मिनट बोलेंगे, हाँ दे दो चले, आइए आइए। आप जिला पंचायत सदस्य हैं श्री शिवनंदन वर्मा जी, आपके पास में बहुत बड़ा डिग्री कॉलेज भी है, बहुत धनवान हैं, गुणवान हैं, महान हैं, बुद्धिमान हैं और गंभीर हैं, धीर वीर गंभीर भी हैं और साहसी भी हैं। आश्रम की सेवा करने के लिए आए हैं कि जिला पंचायत सदस्य तो आशीर्वाद से बन गया, अब आश्रम की क्या सेवा करूं ऐसा पूछना चाहते हैं, अब इनको कौन सेवा बताएगा। कहते हैं जब अतिथि कोई आता है तो घर के लोग स्वयं जान जाते क्या खिलाना है, तो जो सेवा करना चाहता वो स्वयं समझ जाता क्या सेवा करना चाहिए, तो स्वयं समझ जाइए। जय हो साहिब बंदगी, बोलिए, चलिए आगे बढ़ जाइए, थोड़ा सभी लोग ऊंचा कर दो, प्रेम से बोलें साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। मैं आज इस सभा में आकर धन्य हो गया बाबा जी के आशीर्वाद से, और बाबा जी के आशीर्वाद से ही
मुझे विजय श्री प्राप्त हुई है। मैं बहुत ही बाबा जी का आभारी हूँ। चुनाव की शुरुआत मैंने इसी आश्रम से की और जब मैं यहाँ पे सबसे पहले आया, मुझे पहले दिन ही बाबा जी ने पूरा आशीर्वाद दिया कि आप को विजय श्री हासिल होगी और मुझे विजय श्री हासिल हुई। मैं बाबा जी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और बाबा जी को बहुत बहुत बाबा जी के चरणों में अपने को अर्पित करके सम्मान पूर्वक उनका वंदन अभिनंदन करता हूँ। और सामने बैठे हुए हमारे भक्तगण सभी लोगों का मैं सादर वंदन अभिनंदन करता हूँ। और इसी के साथ अब बाबा जी के सामने मंच पर मैं क्या कहूँ, एक सूरज के सामने ज्योति के दिए की क्या औकात है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद साहब बंदगी। बोल दो सेवा भी करूँगा आश्रम में, बोल दो आश्रम में सेवा भी करूँगा जो जरूरत होगी। अब बाबा जी के जो हमारे उसके होगा उस तरीके से मैं आश्रम में सेवा भी करता रहूँगा और करूँगा। और बाबा जी के कोई किसी भी तरीके का कोई अवसर शिकायत का अवसर नहीं प्राप्त होगा और समय समय पर मैं सेवा आश्रम की करता रहूँगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अब समस्त श्रोता बंधुगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती का पुण्य लाभ प्राप्त करने हेतु। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय क्षमा देवा साहिब जय जय क्षमा देवा आरती करे हम सब आरती करे हम सब भक्ति धन देवा साहिब जय जय क्षमा देवा जय जय क्षमा देवा साहिब जय जय क्षमा देवा आरती करे हम सब आरती करे हम सब भक्ति धन देवा साहिब जय जय क्षमा देवा। जो सिर नावे सो फल पावे युक्ति तव पावे साहिब युक्ति तव पावे चरण पड़ायह से चरण पराया सेवक सुमिरे गुरुदेवा साहिब जय जय क्षमा देवा जय जय क्षमा देवा साहिब जय जय क्षमा देवा आरती करे हम सब करे हम सब भक्ति धन देवा साहिब जय जय क्षमा देवा। आप हो ज्ञान के सागर आप हो ज्ञान के सागर बाल ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी हम हैं बात तुम्हारी
जय जय क्षमा देवा साहिब जय जय क्षमा देवा आरती करे हम सब आरती करे हम सब भक्ति धन देवा साहिब जय सब आरती करे हम सब भक्ति धन देवा साहिब जय जय क्षमा देवा धर्म निवारक स्वामी धर्म निवारक स्वामी प्रभु जय जय क्षमा देवा जन मृत्यु रोग निवारक जन मृत्यु रोग निवारक गुरुदेव मेरे स्वामी गुरुदेव मेरे स्वामी प्रेम अटल हो गुरु पद प्रेम अटल हो गुरु पद ऐसा वर देवा साहिब जय जय क्षमा देवा जय जय क्षमा देवा साहिब जय जय क्षमा देवा आरती करे हम सब आरती करे हम सब भक्ति धन देवा साहिब जय जय क्षमा देवा जय जय क्षमा देवा बोलिए सद्गुरु क्षमा देव की जय। अभी आप और हम सब भी परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री क्षमादेव जी की आरती का पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे थे जो कि वैराग्यवान और परम तपोनिष्ठ संत है। आइए अब आप और हम सभी परम पूज्य गुरुदेव जी को बंदगी करें। सभी उपरू बैठ जाएं। बंदौ सन्मुख पारखी शीश भेंट धरु हाथ वचन उचारौ बंदगी सत्य प्रेम के साथ साहिब बंदगी
साहेब बंदगी। बोलिए सदगुरु देव की जय, सदगुरु क्षमा देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, आज के आनंद की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। अब समस्त श्रोता बंधुगण आरती के दर्शनों को प्राप्त करें तथा परम पूज्य गुरुदेव जी के दर्शन हेतु भी आप सभी मंच पर आकर पूज्य गुरुदेव जी को बारी बारी से प्रणाम करते जाएं, आशीर्वाद लेते जाएं, गुरु के चरणों में आकर उनके चरणों में सिर झुकाने से बहुत ही पुण्य होता है और मन में ज्ञान का उजियारा हो जाता है। इसलिए सभी आ जाएं, लाइन बना ले और लाइन से ऊपर आते जाए, एक एक करके गुरुदेव को दूर से ही प्रणाम करें। सभी आ जाए ऊपर, सिंगरौली से आए हुए द्वार पर हम खड़े हैं भक्त जी और सभी द्वार पर हम खड़े हैं, शेष जीवन है सारा तुम्हारा, धन्य है जिंदगी यह हमारी, धन्य है जिंदगी यह हमारी। सभी दान भेंट कर आशीर्वाद भी प्राप्त करें, पूज्य गुरुदेव सभी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और प्रसाद भी प्राप्त करें, लड्डू का प्रसाद बढ़ रहा है। था भयंकर समंदर जीर्ण भी नाथ जीवन की नैया, हर तरफ था भयंकर समंदर जीर्ण भी नाथ जीवन की नैया, क्या पता कहाँ डूब जाती, क्या पता कहाँ डूब जाती, जो न मिलता किनारा तुम्हारा, जो न मिलता किनारा तुम्हारा। सतगुरु द्वार पर हम खड़े हैं, सतगुरु द्वार पर हम खड़े हैं, शेष जीवन है सारा तुम्हारा, धन्य है जिंदगी यह हमारी, धन्य है जिंदगी यह हमारी, गुरु पाकर सहारा तुम्हारा, गुरु पाकर सहारा तुम्हारा। जिंदगी में सुन सके जागते और सोते, कामना है तुम्हें जिंदगी में सुन सके जागते और सोते, हर निमिष बांसुरी के सुरों सा, हर निमिष बांसुरी के सुरों सा, पा सके हम इशारा तुम्हारा, पा सके हम इशारा तुम्हारा। सतगुरु द्वार पर हम खड़े हैं, सतगुरु द्वार पर हम खड़े हैं, शेष जीवन है सारा तुम्हारा, धन्य है जिंदगी यह हमारी, हमारी गुरु पाकर सहारा तुम्हारा, गुरु पाकर सहारा तुम्हारा।
हम जन्म जन्मांतरों तक रहे, जन्म जन्मांतरों तक रहे। गुरु रिश्ता तुम्हारा हमारा, गुरु रिश्ता तुम्हारा हमारा। हमने सारी दुनिया से रिश्ता जोड़ लेते हैं, हम सारी दुनिया से रिश्ता जोड़ लेते हैं, लेकिन जिनसे रिश्ता जोड़ना चाहिए उनसे रिश्ता नहीं जोड़ पाते। उन सदगुरु से रिश्ता जोड़े जिनसे हमारे इस जीवन का कल्याण होना है। जन्म जन्मांतरों तक रहे ये, जन्म जन्मांतरों तक रहे ये। गुरु रिश्ता तुम्हारा हमारा, गुरु रिश्ता तुम्हारा हमारा। सतगुरु द्वार पर हम खड़े हैं, सतगुरु द्वार पर हम खड़े हैं। शेष जीवन इशारा तुम्हारा, धन्य है जिंदगी यह हमारी, धन्य है जिंदगी यह हमारी। गुरु पाकर सहारा